नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट डोडा से हरदेव मास के साथ। आई दिखे क्या कहते हैं हरदेव मास और उनकी स्टोरी। जो है हमने पूरी तहसील राजगढ़ के लोगों को आज जो तकलीफ दी उसके पीछे आप सभी जानते हैं कि मुद्दा जो है वो ये है कि काफ़ी अरसा से जो यहाँ का रोड एक ठेकेदार फैजुल रहमान एजेंसी को PMGSY ने जो ये दिया हुआ था उसमें जो कुछ हुआ सब कुछ आपके सामने हुआ। और हमारे साथ फोन पे आजकल दो दिन और हफ्ते का 15 दिन का टाइम मांग मांग के हमको यहाँ तक पहुँचाया और एजेंसी PMGSY कहती रही कि हम दो दिन के बाद हफ्ते के बाद काम शुरू कर देंगे। और जो क्वालिटी इस रोड की है, जो इस काम की क्वालिटी है, वो भी आपके सामने है। क्या कुछ हो रहा है यहाँ सभी लोग अनजान नहीं है, जो ये नहीं जानते कि इन जो ठेकेदार पावर हाउस से सांठी मतलब राजगढ़ तक एक ठेकेदार है फेज़ वन तक, और फेज़ 2 में सामठी तक जो दूसरा ठेकेदार है उसका भी आपने देख लिया कि वो सरसरी यहाँ रोड पे आया, उसने दीवारों को थोड़ा थोड़ा मतलब वो इधर उधर किया और उसके बाद चुपके से वो भी वापस चला गया। अब मैं आपकी जानकारी में ये चीज़ लाना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के ख्याल में ये होगा कि जो 5 साल का एग्रीमेंट होता है तो वो लास्ट के साल के 6 महीने में वो आदमी रफ का काम करके चला जाएगा और तब तक वो याशी करता रहेगा, जो एग्रीमेंट उसको हमारे साथ हुआ है वो काम ही नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, उसको लगातार रोड पे रहना है। और 5 साल कोई भी डिफॉल्ट आता है, कोई भी काम रोड में मतलब पस्सी आती है या कोई दीवार गिर जाती है, वो उसको मेंटेन करनी है, उसका एग्रीमेंट होता है। ये नहीं है कि वो लास्ट टाइम करेगा। अगर लास्ट टाइम वो करेगा आपके रोड का वारिस कौन होगा? ये जो बेइंसाफी है ये हमें लगी कि इस इलाके के साथ सरासर बेइंसाफी PMGSY ठेकेदार के साथ मिली हुई है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। ये मिल के लोग करते हैं और ये करोड़ों रुपया हड़प करके अपने जेब में डालने के चक्कर में रहते हैं, उसमें महकमे के लोग भी होते हैं। उस चीज़ के खिलाफ अगर हम सब लोग